स्थानीय सूफिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रविवार सीएस रिजवान अहमद ने डायलिसिस एवं आईसीयू यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने वहां दी जाने वाली सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट सीएस ने आशा जताई कि इससे यहां के लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने चकिया जैसी जगह पर इतनी अच्छी सुविधा के लिए अस्पताल के निदेशक एसएम अमजद अली की तारीफ करते हुए इसे समाजोपयोगी बताया। इस अवसर पर सीएस ने वहां मौजूद हर्बल गार्डन तथा यूनानी कॉलेज का भी मुआयना किया। और ये मेरे लिए बाइस फर्क है कि मेरे जिला में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज चल रहा है। उस यूनानी मेडिकल कॉलेज को बहुत अच्छे ढंग से चलाया, बहुत अच्छा कैंपस है और यहाँ बच्चे बच्चियों की तालीम दी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होगा। उसके बाद यहाँ पर डायलिसिस यूनिट और जनरल सर्जरी के काम होते हैं। देहात में इतना अच्छा नर्सिंग चल रहा है और इतना अच्छा सर्जरी हो रहा है और डेडिकेटेड लोग हैं और लोगों पर काफ़ी ध्यान रख करके इससे कम्युनिटी को बहुत लाभ होगा आने वाले दिनों में। और एक अच्छा संस्था मेरे ज़िला में है तो ये मेरे लिए बहुत फर्क की बात है, बहुत और मेरी दुआएँ हैं इन लोगों के साथ कि आगे और अच्छा काम करें और माशरा के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, बच्चे बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएँ, उन लोग को अच्छी तालीम दें ताकि एक अच्छा डॉक्टर बने और हमारे समाज को फ़ायदा पहुँचा सकें। ठीक। अपने अस्पताल सूफी हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट और आईसीयू की जो है शुरू किया है, यहाँ के मरीजों को दूर दूर इसके लिए जाना पड़ता है, मुजफ्फरपुर, पटना, फिर मोतिहारी, उनकी परेशानी को देखते हुए, यहाँ की जरूरत को देखते हुए गरीब लोगों को इस कार्य के लिए बहुत पैसे का एक्सपेंस होता है। और फिर इसको पूरा करने के लिए मेरे मन में एक हुआ कि क्यों नहीं अपने इस छोटे से शहर में भी कार्य को किया जाए। और इसी सोच के नतीजे में डायलिसिस यूनिट